शहर में से गाड़ियाँ जाएंगी। 65 किलोमीटर वो हमारे सेट में टिकट डाले। सुबह तो सुबह कह रहे थे, सुबह कह रहे थे अभी हम प्रधान जी सुबह कह रहे थे क्या कुछ रहा है। अभी SDM साहब भी आए थे, तो SDM साहब भी आए थे, AFSC साहब भी आए थे, सिर्फ एक पूरा आश्वासन देके गए हैं कि हम व्यवस्था बना रहे हैं। पिछले 7 दिनों से ये हमें वादे भी वादे कर रहे हैं, लेकिन हमारा माल का उठान नहीं हो रहा है। तो अभी जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या कहा है, क्या कोई गोदाम खुलाने की बात कर रहे हैं या कोई कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है? ये पिछले एक हफ्ते से हमें गोदाम खुलाने की बातें कर रहे हैं कि हम गोदाम खुला देंगे, लेकिन गोदाम नहीं खुल रहा है। तो हमें ये लगता है कि सोमवार को सारी मंडी इकट्ठी करके, लेबर इकट्ठी करके, मुनीम भाई इकट्ठे करके, मजदूर भाई इकट्ठे करके हमें घिराव करने की हम सोच रहे हैं। DC ऑफिस में वहाँ जाएंगे और हम घिराव करेंगे। तो गाड़ियों की दिक्कत आ रही है या गोदाम की कमी आ रही है? मेन तानाशाही FCI की है। FCI गोदाम नहीं खोल रही है। जो 2 गोदाम चल रहे हैं उनमें 18-20 सेंटर लगे हुए हैं। मेन प्रॉब्लम वो है। FCI अगर गोदाम अनलोडिंग के लिए जगह दे दे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फिर सोमवार को आप कोई हड़ताल करने वाले हैं या घेराव करने वाले हैं क्या? हम अपने व्यापार मंडल की मीटिंग करेंगे शाम के, उसके बाद में जो भी फैसला होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक।